कलयुग में कोई अवतार चमत्कार दिखाने नहीं आएगा। जी हाँ, आज हालात ये हैं कि पूरा विश्व ही धर्म और समुदायों के नाम पर कहीं ना कहीं लड़ ही रहा है। या कोई संपन्न देश किसी दूसरे देश को आपस में धर्म के नाम पर लड़ा रहा है, लेकिन सभी देशों के मुखिया यह भूल जाते हैं कि आखिर वे भी इंसान ही हैं। फिर हम इंसान होकर इंसान से क्यों लड़ रहे हैं? हम इंसानों का शोषण क्यों कर रहे हैं? इंसानों को कैसे बेवजह मरते देख रहे हैं और कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? इन प्रश्नों से आज पूरा विश्व परेशान है। फिर भी आलम यह है कि इंसान के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। जाने किस भागम भाग में उसे यह दिखाई नहीं दे रहा है कि वह भी एक इंसान है। और इंसान यदि इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर वह कौन है जो इंसानों की आवाज बन सके, इनके हक के लिए लड़ सके, इन्हें इनके अधिकार दिला सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंभकर्णी नींद में सोई हुई जनता फिर से किसी अवतार का इंतजार कर रही है? यदि इसका जवाब हाँ है तो फिर जनता से कहना चाहूंगा कि यह कलयुग है और कलयुग में कोई अवतार चमत्कार दिखाने नहीं आएगा। इस युग में हर इंसान ही अवतार है, बस जरूरत है अपनी शक्तियों को पहचानने की। इसलिए अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानिए। आप उस असीम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं जिसने आपको यहाँ इस सुंदर प्रकृति की रक्षा करने भेजा है, इसे संवारने भेजा है। आपस में लड़ने झगड़ने या पैसों के पीछे भागने के लिए नहीं भेजा है। अब यहां प्रश्न आता है कि इंसान बना कैसे जाए, तो मैं आपको बता दूं कि यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है और इसमें कुछ खर्चा भी नहीं है, उल्टा इसमें तो आपकी बचत हो जाती है। और जब आप इंसान बन जाते हैं तो आपको हर पल आनंद ही आनंद मिलता है और इस आनंद से आपका जीवन कितनी आसानी से गुजरता है इसका अंदाजा आप तभी लगा सकेंगे जब आप इंसान बन जाएंगे।